मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए हमने जो सेल बनाया है उस सेल को रिप्रेजेंट करता हूं। लेट मी राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन। एट एनोड वी हैव ग्रेफाइट एनोड। व्हाट इज एनोड प्रोडक्ट? एनोड प्रोडक्ट इज CO and Al3+. This is anode side. अब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्क्राइब कर रहा हूं दो सिंगल बार के बीच में। इस तरफ क्यों ना कैथोड साइड भी लिखी दूं। कैथोड इज कैथोड प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम एट एल्यूमिनियम कैथोड। यह एनोड साइड हो गई और यह कैथोड साइड हो गई। एनोड पर ग्रेफाइट, प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम आयन। कैथोड पर एल्यूमिनियम की कैथोड और एल्यूमिनियम इज द प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडीशन बीच में डिस्क्राइब कर रहा हूं। इट्स मोल्टन Al2O3 and Na3AlF6. At its melting point, this is the electrolytic cell representation, and this is termed as metallurgical principle of aluminium. ध्यान रहे, metallurgy को लेकर बहुत ज्यादा doubt होते हैं कि metallurgy में पढ़ना क्या है, समझना क्या है। देखिए, metallurgy को हम दो भाग में divide करते हैं। एक होती है मेटलर्जिकल प्रिंसिपल और दूसरा होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस। इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं, हमारे सिलेबस में IIT JEE के सिलेबस में AIEEE के सिलेबस में मेटलर्जिकल प्रोसेसेस नॉट इंक्लूडेड, ना तो IIT JEE में और ना ही AIEEE में कोई भी आपसे मेटलर्जिकल प्रोसेस से रिलेटेड कोई सवाल कभी भी अपीयर नहीं होता है। मींस आपको कोई डिटेल में डायग्राम मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंडस्ट्रियल डिटेल्स मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस कैसे है वो मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है। बट इन आवर सिलेबस मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड। अभी जो मैंने समझाया है दिस इज मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिनियम। यह पूरा मेटलर्जिकल प्रिंसिपल है, दिस इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। यह हमें पता होना चाहिए, हमें यह बात पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम का मेजर ओर बॉक्साइट है। बॉक्साइट ओर में तरह तरह की इंप्योरिटी हो सकती है। बॉक्साइट मतलब एक मिट्टी, जमीन से आप मिट्टी उठा रहे हो और उसमें यदि एल्यूमिनियम है तो आप उसको बॉक्साइट कहोगे। जमीन से आपने मिट्टी खोदी, यदि उसमें एल्यूमिनियम है तो आप उसको बॉक्साइट कहने लगोगे। अब जो आपने मिट्टी खोदी उसमें एल्यूमिनियम के साथ तरह तरह की इंप्योरिटी है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंप्योरिटी। अब उसमें या तो मिट्टी बहुत ज्यादा होगी या फिर आप उसको टेस्ट करोगे तो खट्टी लगेगी, मतलब एसिडिक इंप्योरिटी है। यदि आपने उसको टेस्ट करा और आपको कड़वी लग रही है मिट्टी, इसका मतलब उसमें बेसिक इंप्योरिटी है। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंप्योरिटी, इसमें कैसी इंप्योरिटी है, आप उसमें तीन में से कोई एक मेथड लगा दोगे, या तो बेयर्स प्रोसेस या हॉल्स प्रोसेस या सपक्स प्रोसेस। ये तीनों ही प्रोसेस तीन अलग अलग तरह की इंप्योरिटी के लिए। इन तीन प्रोसेस को लगाने पर आप उस बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लेते। प्योर एल्यूमिना मतलब प्योर Al2O3। अब ये जो प्योर एल्यूमिना मिला है इससे आप केमिकल मेथड के द्वारा एल्यूमिनियम ऑब्टेन नहीं कर सकते।
ऑब्टेन तो कर सकते हो, मगर इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकली इकोनॉमिकल राइबल तरीके से आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आपको केमिकल मेथड के द्वारा करना होगा तो आपको प्योर मैग्नीशियम प्योर सोडियम जैसे एलिमेंट चाहिए होंगे, और उनको प्योर कंडीशन में ऑब्टेन करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसलिए केमिकल मेथड के द्वारा एलुमिना से एल्यूमिनियम नहीं बनाया जा सकता। एलुमिना से प्योर एल्यूमिनियम बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो उस इलेक्ट्रोलिसिस में किस किस तरह की समस्याएं, हमें यह बात समझनी होगी कि यह समस्याएं एक्वस कंडीशन में कर नहीं सकते। एक्वस कंडीशन में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। हमने किसी तरह से उसको सॉल्युबल बना भी दिया, उसके सोडियम सॉल्ट बना दिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दिए, तब भी एक्वस कंडीशन में इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन में हाइड्रोजन नीचे आ जाता। फिर हमको जब इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो मोल्टन कंडीशन में करना होगा। अब मोल्टन कंडीशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो क्या समस्या है, वो हमने हाईलाइट कर दी कि मोल्टन कंडीशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो ये समस्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, कंडक्टिविटी बहुत पुअर और रिफ्रैक्टरी नेचर का। अब इन तीन समस्याओं का क्या समाधान है? इन तीन समस्याओं का समाधान समझ लिया कि उसमें कोई इंप्यूरिटी डालो, इंप्यूरिटी डाल दोगे तो तीनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब सुटेबल इंप्यूरिटी जो हमें डालना है वो कैसे सोच समझ कर डाला जाए, वो वंस अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो और उसमें सोचो कि क्या सुटेबल इंप्यूरिटी है। फिर वह सुटेबल इंप्यूरिटी हमें समझ में आ जाती है कि एलुमिना में क्रायोलाइट डाला जाए। फिर यह क्रायोलाइट सुटेबल कैसे है इस बात को समझा जाए। एक तो अच्छी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसलिए क्योंकि क्रायोलाइट इस तरह से बड़ी इजिली आयोनाइज होता है। दूसरा, डेंसिटी कम होने से, रिफ्रैक्टिव नेचर कम होने से इस समस्या को खत्म कर देता है। और तीसरा, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर देगा। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस को करने की जो कंडीशन, फिर वो हमें दिमाग में बैठानी होती है कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है ग्रेफाइट एनोड को लेकर और प्योर एल्यूमिनियम की कैथोड को लेकर। प्योर एल्यूमिनियम की कैथोड लोगे तो उसी के ऊपर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता चला जाएगा। इस तरह का हमने जो सेटअप बनाया इसमें क्रायोलाइट का डिसोसिएशन और फिर यह समझना कि एनोड पर कौन कौन जाएगा। क्रायोलाइट से आने वाला यह एनायन AlF6 नेगेटिव, ऑलरेडी एनोड पर ग्रेफाइट है, ऑलरेडी एनोड के आसपास ढेर सारे Al2O3 है। फिर यह बात सोचना कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा और क्यों ऑक्सीडाइज हुए। एनोड की यह रिएक्शन ध्यान से देख लेना, एक बार देख ली तो हमेशा के लिए फिर याद भी रहती है। फिर कैथोड पर रिडक्शन सोचना, फाइनली यह चीज लिखना और यह सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। दिस इज मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इन द सिमिलर मैनर लेट्स डिस्कस मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जिकल प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कॉपर और एल्यूमिनियम यह दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में भरपूर इस्तेमाल है। आप अच्छी तरह से जानते हो जितने भी सड़कों पर आपको कंडक्टिंग वायर्स दिख रहे हैं वो सब प्योर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। एयरक्राफ्ट जो बनता है दैट इज वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और इसी तरह से हाउस होल्ड में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर्स है ये सारे प्योर कॉपर के बने हुए होते हैं। कॉपर इंडस्ट्री में प्योर कॉपर कैसे ऑब्टेन करा जाता है अब हम इस बात को समझते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टू मेटलर्जी ऑफ कॉपर लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन यू व्हाई लिथियम एंड फ्लोरिन, लिथियम मेटल एंड फ्लोरिन गैस कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब लिथियम हैव गॉट हाइएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। None species have got oxidation potential greater than lithium. नेचर में जो भी लिथियम मिलता है वह हमेशा लिथियम आयन के रूप फॉर्म में ही मिलता है,
नेचर में जितना भी लिथियम मिलेगा वह हमेशा लिथियम आयन के फॉर्म में मिलेगा, LiCl सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, और आप इस लिथियम आयन को लिथियम मेटल में कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड, बिकॉज लिथियम आयन को लिथियम मेटल में रिड्यूस करने के लिए आपको उसके सामने कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम से ज्यादा हो। लिथियम को इस तरह से रिड्यूस वही कर पाएगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। मगर लिथियम से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का भी नहीं है। लिथियम से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का भी नहीं है, इसका मतलब लिथियम के सामने कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब लिथियम किसी के सामने रिड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब केमिकल मेथड्स के द्वारा लिथियम आयन से लिथियम मेटल कभी भी ऑब्टेन नहीं करा जा सकता। नेचर में लिथियम लिथियम आयन के फॉर्म में ही है और लिथियम आयन के फॉर्म में ही रहेगा हमेशा। आप प्योर लिथियम मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड। ऑल्दो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लिथियम मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बट Not for very long time. Electrolytic method के द्वारा lithium metal मिल तो जाएगा, मगर मिलते से ही almost immediately react करेगा और उस reaction के दौरान इनफैक्ट फटेगा वहां। उस reaction वो इतनी vigorous होगी कि वहां पर एक blast वाली situation दिखाई देगी। By electrolytic method lithium can be obtained but not for very long time. It can't be stored, it can't be preserved. कहीं पर भी इसको आप प्योर कंडीशन में रख नहीं सकेंगे। इसी तरह से फ्लोरिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है। फ्लोरिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है, इसका मतलब फ्लोरिन हैव गॉट मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। इसी वजह से फ्लोरिन नेचर में हमेशा रिड्यूस्ड स्टेट में फ्लोराइड के फॉर्म में ही मिलती है, और नेचर में जो फ्लोराइड मिल रहा है उसे थियोरेटिकली आप कह सकते हो एज इफ इट्स ऑक्सीडाइज्ड लाइक दिस, बट प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, यह कभी हो नहीं सकता। केमिकल मेथड के द्वारा आप फ्लोराइड आयन को फ्लोरीन गैस में कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपको फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करना है इसका मतलब फ्लोराइड आयन के सामने किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा। फ्लोराइड आयन के सामने जो रिड्यूस होएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मगर फ्लोरीन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी नहीं। इसका मतलब फ्लोरीन के सामने कोई रिड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब फ्लोरीन किसी के सामने ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब यह रिएक्शन कभी हो नहीं सकता। केमिकल मेथड्स के द्वारा तो फ्लोरीन कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इनफैक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा भी फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज होने के काफी सारे प्रयास हो चुके हैं और 5 साइंटिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं, और 5 साइंटिस्ट के जान गंवाने के बाद 6 साइंटिस्ट ने फ्लोरीन को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलाइज करके और ऑब्टेन करके दिखा दिया, मगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वह फ्लोरीन रिएक्ट कर गई और वह वहां दोबारा ब्लास्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा भी फ्लोरीन गैस को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही ऑब्टेन करा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। It's impossible to obtain fluorine gas and pure lithium metal. It's because of their position in electrochemical series. Electrochemical series में यह position होने की वजह से
लिथियम मेटल और फ्लोरीन गैस नहीं मिल सकता। अब मुझे एक प्रिंसिपल और समझाना है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर, और आई विल फाइंड अ सुटेबल टाइम और उसको मैं समझाऊंगा, और उसके बाद में आई विल प्रोसीड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज के दिन अभी इतना ही करता हूं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।